नादान अपनी तकदीर बदलने के लिए बाहर के किसी इनकलाब के मुंतजिर रहते हैं। अक्लमंद अपनी तकदीर बदलने के लिए अपनी शख्सियत में इनकलाब ले आते हैं। अकल और ज़ुबान का बिल्कुल उल्टा ताल्लुक है। अक्ल जितनी छोटी होगी ज़ुबान उतनी लंबी होगी। मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करते हैं, अकल को जंग लगे तो ज़ुबान फजूल बोलने लगती है। चालाक और अक्लमंद में ये फ़र्क होता है कि चालाक लोग अपनी तमाम ज़िंदगी इस दुनिया में जीने का गुर सीखने में ज़िंदगी गुजार देते हैं और अक्लमंद लोग ज़िंदगी जीने में। अक्ल की लाखों दलीलें अल्लाह ताला से एक गुना भी माफ़ नहीं करवा सकती, मगर दुआ में नदामत का एक आंसू मुमकिन है ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ करा दे। किसी ने पूछा अक्ल की मौत क्या है, मैंने कहा फ़िक्र को तर्क कर देना। किसी ने पूछा दिल की मौत क्या है, मैंने कहा ज़िक्र को तर्क कर देना। तारीख के हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उदास रहकर गुजारा है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत बेहिसी चाहिए। वो लोग जिन्होंने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और भूख सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो आम आदमी की क़यादत नहीं कर सकते। अपनी सोच बड़ी रखे, कामयाब और नाकाम लोगों में सिर्फ एक फ़र्क है और वो है उनकी सोच। कामयाब लोग हमेशा बड़ा सोचने का इंतखाब करते हैं।